Hello, my dear students and friends, welcome back. It's a new video here. As you know about me, I've been an English teacher from India and I've been teaching English for the last 28 years. And for the last 10 years, I've been teaching English online through Skype. I've taught many students from different countries. You may go through my channel to watch live recording of the class with my students. Well, यहाँ पे एक वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे fairly और rather को हम use कैसे करते हैं English में. ये बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस हैं जो हम एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं. जैसे हमने कहा हाउ, जैसे फेयरली, तो फेयरली एक पॉजिटिव सेंस देता है और रैदर जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट या सेंस देता है किसी भी एडजेक्टिव के पहले लगाने से. तो अब अगर जैसे हमने हम आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैंने मेरे लिए चाय आई और मैंने चाय का कप उठाया और पीने लगा मैं, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं वहाँ पे रेदर का यूज़ कर लेता हूँ. जैसे मैंने कहा इट्स रेदर हॉट, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ज़्यादा ही गर्म है कि जो मैं पी नहीं सकता. तो नेगेटिव सेंस उस एडजेक्टिव के साथ देने के लिए रैदर जोड़ा. इट्स रैदर हॉट, मतलब ये इतनी गर्म है कि मैं अभी पी नहीं सकता. थोड़ी देर बाद मैंने उसी चाय को फिर उठाया, कप को, इट्स फेयरली हॉट. तो अब इसका मतलब है कि अब इतनी गर्म है कि पीने लायक है, अच्छी है. तो इट्स फेयरली हॉट, तो हम ये बोल सकते हैं इट्स फेयरली हॉट. तो किसी भी एडजेक्टिव के साथ ही इसको यूज करेंगे. अब जैसे आप यू मे हैव सम मोर एग्जांपल्स हियर. जैसे आपने किसी लंबे व्यक्ति को देखा या किसी लंबी स्त्री को देखा, लेडी को देखा, और आपको लगा कि इसकी लंबाई इतनी है कि ये इसकी सुंदरता बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं शी इज फेयरली टॉल. और अगर किसी की लंबाई बहुत ज्यादा है कि वो लंबाई की वजह से इतना अच्छा नहीं दिखता या दिखती, तो फिर हम रैदर का यूज वहां पे कर सकते हैं. जैसे ही इज रैदर टॉल. द एक्सप्रेशंस भी हमारे नेगेटिव सेंस को देने वाले होने चाहिए. इट्स रैदर टॉल या शी इज फेयरली टॉल. तो आप किसी भी एडजेक्टिव के पहले रैदर या फेयरली को यूज कर सकते हैं, और कैसे करना है वो मैं आपको बता दिया. लेकिन वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, वेन एवर आई टेल यू एनी न्यू टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर और इन स्पीकिंग, आई मीन वेन एवर आई मेक एनी वीडियो, एज आई हैव मेड दैट वीडियो रेदर और फेयरली पर मैंने बनाया है, तो देखिए आप इसको यूज करिए. यूज करेंगे ना तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा. इट वुड बी ऑन योर टंग टू यूज इट. केवल आपने वीडियो देखा, प्रैक्टिस नहीं किया, तो उसका कोई ज़्यादा फायदा आपको मिलने नहीं वाला. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाइए, उनको बोलिए, स्पीकिंग प्रैक्टिस करिए. डोंट ट्राई टू बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, वो तो होंगी, तो गलतियों से नहीं डरना है. तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए,
और लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू थिंक यू वांट टू लर्न इंग्लिश विद मी, यू मे कॉन्टैक्ट मी. आई हैव ऑलरेडी गिवन माई ई मेल आई डी एंड स्काइप आई डी हियर इन दैट वीडियो एंड बिलो दैट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.